नमस्कार दोस्तों। सो आपको आपने बोला तो हमने किया हिंदी में वीडियो। बेसिकली ये फोकस रहेगा हमारा नेदरलैंड्स में पढ़ने के लिए, बट इन जनरल विदेश में पढ़ने का फायदा क्या है और नेदरलैंड्स में आने से आपको क्या फायदा होगा और क्या-क्या चीजें आपको पहले जाननी होगी, तो उसके लिए बना रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पहले एक सूचना कि नेदरलैंड्स में 2015 से हूँ, मास्टर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंस में। फिर 2017 से 2017 से अभी तक मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसीलिए करीबन तकरीबन 4 साढ़े 4 साल मैं रह चुका हूँ नेदरलैंड्स में, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो आप मेरे चैनल में जाके देखिए, मैंने बहुत 170 वीडियो बनाए हैं मेरे चैनल्स में, तो आप जाके देख सकते हैं वहां पे 170 वीडियोस में। मतलब ये बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीएचडी के लिए क्या करना है, और नेदरलैंड्स में लाइफ कैसी होती है, मेरी हर हफ्ते कैसी जाती है पीएचडी की, यूरोप में ट्रैवल के लिए, बैचलर्स करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, नेदरलैंड्स में ट्रैवल करने के लिए, और जर्मनी के बारे में भी कुछ वीडियोस हैं और धीरे धीरे आने वाले हैं। सारे यूरोप को हम कवर करेंगे, बट अभी मेन फोकस नेदरलैंड्स ही है और जर्मनी की थोड़ी थोड़ी वीडियोस हैं, और वही चीज मैं आज कवर करूंगा मेरे वीडियो में। और कुछ लाइव स्ट्रीम्स हमने किए थे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में डालिए, तो हम फिर से लाइव स्ट्रीम करेंगे हिंदी में, ताकि आपको या आपकी पेरेंट्स को कुछ जानकारी पानी हो तो उनको हम दे सकते हैं लाइव स्ट्रीम में। और शॉपिंग के वीडियोस हैं, और ये आपको नेदरलैंड्स आने के बाद जो बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट हैं या क्या ये मिलेगी, और कॉन्फ्रेंसेस के वीडियो और कुछ कुकिंग वीडियोस भी डाले थे, क्योंकि इसके बारे में हम अभी बताएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी कुकिंग तो आनी ही चाहिए, नहीं तो आपको खर्चे बहुत हो जाएंगे। जब आप स्टूडेंट होके आएंगे नेदरलैंड्स में तो आपको खर्चे बहुत हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो पहली बात है कि मेनली वीडियोस इंडियंस के लिए फोकस है, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था करने के लिए अपने पापा मम्मी और उनके लिए वीडियोस, उनको कन्विंस करने के लिए। तो नंबर ऑफ इंडियंस मैं आपको कुछ लिंक्स डाल दूंगा बाद में नीचे कमेंट्स में, बट अभी के लिए मैं खाली आपको जो फैक्ट्स मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, और बाकी लिंक से आप पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे टाइप कीजिए नंबर ऑफ इंडियंस इन नेदरलैंड्स, आपको इजीली मिल जाएगी वो जानकारी, इतनी ये नहीं है। बट मेनली क्या है कि सारे जितने यूनिवर्सिटीज, नेदरलैंड बहुत छोटा सा कंट्री है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया के एक स्टेट के साइज से भी नेदरलैंड की साइज बहुत छोटी होगी, और बट क्वालिटी वाइज, लिविंग स्टैंडर्ड्स वाइज, और इनका जो ट्रांसपोर्ट और ये सारा चीज़ है बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। तो नंबर ऑफ इंडियंस देखेंगे तो हमारे टाइम से और अभी तक भी हमेशा इंटरनेशनल पॉपुलेशन जितने रहते हैं, मतलब बाहर से आए रहते हैं विदेशी छात्र छात्राएं, उनमें से इंडियंस और चाइनीज सबसे ज़्यादा होते हैं। और इंडियंस हमारे टाइम में मुझे याद है 2-3 साल पहले अराउंड 2000 मास्टर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, और उनमें से तकरीबन तकरीबन 800 इंडियंस थे और 700 के करीब चाइनीज थे, और बाकी सारे देश से कुछ कुछ थोड़े थोड़े। सो वही होता है, मतलब हमेशा इंडियन और चाइनीज ही डोमिनेट करते हैं, तो आपको इधर उधर कहीं 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 ना कहीं तो आप टकरा जाएंगे। अगर स्टूडेंट सिटी में रहते हैं और कहीं पढ़ते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज में, नेदरलैंड्स में मेडिकल हो, एमबीए हो, मास्टर्स हो, टेक्निकल कोर्सेज हो, कोई भी कोर्सेज हो, आप इंडियन से मुलाकात तो जरूर होगी आपकी, मतलब वो उसके चांसेस 90, मोर देन 90% है। और आपकी कॉस्ट कितनी होगी, तो उसके लिए हम मैंने वीडियोस बनाए थे ऑलरेडी, तो अभी तो मैं और डिटेल्स में ये वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, तो उसके लिए हमने वीडियोस बनाए थे यहाँ पे शायद, हाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक वीडियो बनाए थे, वो होम पेज में मिल जाएगा शायद आपको, आप ये देख सकते हैं टॉप वीडियोस में, वर्किंग इन नेदरलैंड्स इसके बारे में अभी बताऊंगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या है कि सारा सारे खर्चे के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया, मतलब कितने खर्चे होते हैं आपके पर मंथ, और पढ़ाई के खर्चे और आपके रहने के खर्चे, तो सारा डिटेल्स में यहाँ बताया, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला।
बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि आप और ग्रॉसरी शॉपिंग के भी डालें, ये इंडियन शॉप नहीं है, इंडियन शॉप के और एक वीडियो बनाए थे मैंने, तो वो आपको शॉपिंग इन नेदरलैंड्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे जाएंगे तो इंडियन शॉपिंग की भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर आपको सारी वो मिलेगी, तो वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये बताने का मतलब ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तो मिलेगी, और स्टडी की खर्चे ये हैं कि मतलब तकरीबन टेक्निकल कोर्सेज अगर लेंगे तो अभी थोड़ा प्राइस महंगा हो गया है, तो आपको करीब 15,000 16,000 यूरो खर्चा होता है पर ईयर टेक्निकल कोर्सेज में, जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ या कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल मास्टर्स, और बैचलर्स शायद अभी जो प्राइस है अराउंड 13,000 या 14,000 यूरो है पर ईयर, और बैचलर्स 3 साल की होती है। और अगर आप कुछ अलग कोर्सेस करते हैं, जैसे कुछ डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हुए हैं, या फिर एक होता है वेबस्टर यूनिवर्सिटी, बहुत लोगों ने पूछा था, मुझे उसके बारे में इतनी आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे बहुत लोग पढ़ते हैं, तो उसके कुछ कम प्राइसेस होते हैं। एमबीए बहुत महंगा होता है, 1 साल का होता है बट महंगा होता है, मास्टर्स 2 साल का होता है। तो ये सारे खर्चे मैंने उस कॉस्ट ऑफ लिविंग वीडियोज में बताए थे, उसको देखिए एक बार। और कुछ कोरा में भी मैंने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें आपको सारे वीडियोस के लिस्ट और कुछ कुछ नुस्खे मिल जाएंगे, तो सारी लिंक्स मैं डाल दूंगा कमेंट्स में, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप देखें ये वीडियो। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। और आपके पढ़ाई के बाद जॉब क्या मिलेंगे, तो उसके बारे में इस चीज में मैंने बताया था, मैं इन शॉर्ट अभी बता रहा हूँ, बट आपको डिटेल्स के लिए वीडियोस जाके देखने पड़ेंगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने बनाए थे वीडियोस। तो ये है वर्किंग इन नेदरलैंड्स वीडियो, ये शायद सबसे पॉपुलर वीडियो है मेरे चैनल में, क्योंकि सारे लोगों को जॉब और अपॉर्चुनिटीज और वर्क के बारे में बहुत ही जानकारी पहले से जाननी होती है, एक जगह जाने से पहले। सही बात है। तो वर्किंग इन नेदरलैंड्स वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेंगे। इन शॉर्ट क्या है कि आप 1 साल पढ़ाई के बाद नेदरलैंड्स में रुक सकते हैं, और 1 साल से ज्यादा नहीं रुक सकते। अगर आपको जॉब नहीं मिला है और आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, तो आपका स्टे बैक पीरियड 1 साल है, उसको बोलते हैं सर्च वीजा या जूकियर वीजा डच में, या फिर ओरिएंटेशन वीजा, वो सारी इस वीडियोस में मैंने बताया है। और आप काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप पार्ट टाइम जॉब पे मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, कि क्या क्या पार्ट टाइम जॉब मिलेंगे, जैसे कि आपके कोई पोस्ट सर्विस हो गया, या फिर कोई रेस्टोरेंट में हो गया, या फिर डोमिनोज में हो गया, या फिर कोई भी मतलब होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर कोई पोस्टल सर्विस हो, बहुत टाइप्स के पार्ट टाइम जॉब मिलेंगे। 170 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। और वो पार्ट टाइम जॉब यहीं पे कहीं था, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो आप टाइप करके देख लीजिएगा मेरे चैनल में, पार्ट टाइम जॉब का वीडियो जहाँ पे था। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, मतलब आपको मास्टर्स पढ़ने के लिए 10 चीजों इसके बारे में जानना जरूरी है, मास्टर्स कैसे होता है, सिस्टम कैसे होता है, सारा चीज यहाँ पे बताया है। और पार्ट टाइम जॉब का वीडियो रुकिए मैं ढूंढता हूँ, ये है पार्ट टाइम जॉब। सो ये वीडियो बहुत ही छोटा है, 15 मिनट का वीडियो है, तो इसको आप देखिए, ये वीडियो को आपको पता चल जाएगा मतलब क्या क्या पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन होता है, सैलरी क्या होती है, कितने आवर्स काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप के ऑप्शंस क्या है। वर्किंग वीडियो और पार्ट टाइम जॉब देखेंगे तो आपको सारे जानकारी मिल जाएंगे जॉब्स एंड आफ्टर एजुकेशन की। तो ये हो गए 3 नंबर पॉइंट। और आप एजुकेशन के बाद, सपोज आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप पीएचडी कर सकते हैं, पीडी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर नौकरी कर सकते हैं। और नौकरी में ऑन एन एवरेज आप अगर एक फ्रेशर हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको तकरीबन पर मंथ हाथ में आपकी आ जाएगी तकरीबन 2,500 से 3,000 यूरो हाथ में। 3,000 तो नहीं आती है, टैक्स बहुत होती है, टैक्स कटने के बाद 2,500 2,700 ऐसे कुछ आती है। तो इंडियन करेंसी में अभी अगर देखेंगे 1 यूरो 80 रुपए के तकरीबन करीब है, तो 2,500 यूरो मतलब तकरीबन तकरीबन 2 लाख 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो 2 लाख में से आपके, आप अगर सिंगल आदमी हैं, आप अकेले हैं रहते हैं, तो 50% तो आप आराम से सेव कर लेंगे। ये सारा चीज मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग वीडियोस में बताया था, तो जाके एक बार देखिए। इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल के मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ये मैं
रैप अप कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और साथ में जो डिटेल्स है उसको मैं अगर इस पे कवर करूंगा तो वीडियो ही 1 घंटे की बन जाएगी, तो वो सारे वहां पे मिल जाएंगे आपको। और लाइफस्टाइल, चौथा पॉइंट है लाइफस्टाइल। मैंने एक नोट्स बना के रखा है ताकि मैं कुछ पॉइंट्स मिस ना कर लूँ, फिर ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल में क्या है कि यहाँ पे सारे लोग बाइक चलाते हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको कहीं से कहीं जाना हो तो बाइक्स इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड हैंड बाइक्स आपको 20 यूरो 50 यूरो में मिल जाएंगे, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ तकरीबन आप 80 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 80 में 4,000 2,000 रुपए ऐसे कुछ, तो वेरी करता है। बट बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं और वेबसाइट्स हैं, वो मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट्स में, आप भी कमेंट कीजिए आपको क्या डाउट्स रह गया, क्या मैंने कवर नहीं किया, तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि बाइक्स चलाते हैं लोग तो इसलिए पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता है, तो लाइफस्टाइल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है बहुत ही हाई रहता है इनका। तो बाइक्स चलाने से आप पैसा भी बचा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी सही रख रहे हैं क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन। और अभी तो एम्स्टरडेम में 2025 या 2030 में इन लोग लॉ पास करने वाले हैं, ऑलरेडी ये इन प्रोसेस है। हर बीच बीच में हर जगह आपको बैटरी स्टेशंस मिलेंगे और वो बैटरी से कार चार्ज होती है, तो सारे कार्स बैटरी में चल रहे हैं, मैक्सिमम कार्स रिप्लेस हो रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल वाले कार आपको मिलेंगे ही नहीं 2025-30 के, ओनली चार्जिंग स्टेशन रहेंगे और वो कार्स रहेंगे। ऑलरेडी अभी पॉल्यूशन है ही नहीं, अगर आप दिल्ली को अभी देखेंगे, अभी दिल्ली में जो हालत है वो हम यहाँ बात करते हैं, मतलब नेदरलैंड से ऑब्वियसली कंपेरेबल ही नहीं है क्योंकि नेदरलैंड में पॉल्यूशन है ही नहीं, मैक्सिमम लोग बाइक चलाते हैं यहाँ पे, लोगों से ज्यादा बाइक्स हैं यहाँ पे नेदरलैंड्स में। आप अगर मतलब सोचेंगे ऐसे लगेगा कि लोगों से ज्यादा बाइक्स रखे हैं इनके पास, मतलब हर एक लोग के पास एवरेज 2 या 3 बाइक्स रहते हैं। मेरे पास भी 2 बाइक्स हैं, एक पुरानी वाली एक नई वाली, यहाँ पे थोड़ी स्लोप्स रहती हैं तो उठने के लिए जरूरी होता है गियर बाइक। और क्या बाकी रह गया थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, आप यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हैं, ये पॉइंट कुछ रेलिवेंट नहीं है बट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉल्यूशन और ये इम्प्योरिटीज और ये सब चीजें बिल्कुल है ही नहीं। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि बाहर जाके कैसे बंदा रहे, तो आप रह सकते हैं, तो मतलब सारे चीजों की आपको सुविधा मिलेगी आराम से। और इंडियन शॉप, स्पेशली पांचवा पॉइंट जो है फूड, इंडियन फूड जो कि सबको मतलब मेन रहता है, चिंता रहता है सब पेरेंट्स को या इनको, तो कुकिंग तो ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए क्योंकि कुछ कंपलसरी नहीं है, बट अगर कुकिंग नहीं आएगी तो आपको खर्चे बहुत हो जाएंगे, वो मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टडी वीडियोज में बताए थे। और मैं कुछ छोटे छोटे कुकिंग वीडियोज डाल रहा हूँ ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, कि आप अगर बाहर नए आ रहे हैं, मतलब नए स्टूडेंट्स बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहे हैं, उम्र कम है, पता नहीं है कुकिंग कैसी होती है, थोड़ी बहुत सीखे हैं घर से, तो क्या हेल्प मिल सकती है। 2-3 वीडियोस मैंने डाले थे बट मैं और वीडियोस डालूंगा, बट उसके अलावा आप घर से थोड़ा बहुत मतलब चावल दाल ऐसे सिंपल सिंपल चीजें सीख सकते हैं ताकि आपके खर्चे बच जाएं। नहीं तो खाने के लिए सब मिलेगा बट अगर खरीद के हर दिन खाएंगे तो बहुत खर्चे होंगे और लोगों पे उसका इतना प्रेशर आता है कि लोग आके अपने आप ही वो ढाले मतलब वो ढांचे में पड़ जाते हैं कि वो सीख जाते हैं कैसे खाना बनाते हैं। और इंडियन फूड रॉ मटेरियल सारे मिलेंगे, वो इसी वीडियो में मैंने बताया था, ये एक वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इंडियन फूड क्या क्या मिलता है सारा मिलेगा आपको, चावल दाल जितने रॉ मटेरियल्स 20 टाइप के दाल आटा मतलब जो चाहिए मसाले सारे A to Z सारे चीजें मिलेंगे, ऑलमोस्ट डबल प्राइस होते हैं या फिर 1.5 टाइम्स होते हैं इंडिया के प्राइस से क्योंकि इंपोर्ट होके आती है, बट सारे चीजें मिलेंगे आपको खाने बनाने के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। मिठाई विठाई सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं यहाँ पे, आप शॉक हो जाएंगे कि दिवाली होली जितने फेस्टिवल, क्योंकि इंडियंस इतने हैं अपने स्टूडेंट एसोसिएशन बना के रखे हैं सारे जगह मतलब हर यूनिवर्सिटीज में, तो आपको हर जगह इंडियन वो फीलिंग नहीं आएगी कि एक घर वाली फीलिंग आ जाएगी अपने आप, तो वही बहुत बड़ी चीज है। एक नए कंट्री में नए लोगों से मिलने आ रहे हैं, एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, तब अगर अपने लोगों के बीच आपको एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है ना, तो आपको एक अलग अंदर से एक सुकून आती है कि मतलब वही वही है बस हम थोड़ी दूर आ गए हैं, और दूर भी ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं एम्स्टरडेम से, मतलब दिल्ली से एम्स्टरडेम या मुंबई से एम्स्टरडेम, तो
7 घंटे लगते हैं, और अगर इंडायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो एक जगह कहीं रुक के आए तो 10 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है। लैंग्वेज यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि यूरोप में जितने देश हैं उनमें से ये नेदरलैंड्स इज द बेस्ट मोस्ट इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज। अराउंड 99%, 99% लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, भले ही डच इनका लैंग्वेज हो फर्स्ट लैंग्वेज, बट बचपन से इनको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी में सारे ये लोग पूरे फ्लुएंट है, जैसे मतलब इंडिया से भी ज्यादा है, तो उसलिए आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी। भले ही इनका अपना फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं है, बट फिर भी दिक्कत नहीं होगी। और सातवां पॉइंट, तो 8 पॉइंट्स थे, अभी हम अंतिम पॉइंट्स में आ रहे हैं, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, मैंने सोचा था 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट सारी चीजें बताने थे आपको तो क्या करेंगे। तो सातवां पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन में आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है, और मतलब जिस वजह से आपको कभी कभी दिक्कत होती है अगर कंपटीशन के लिए इंडिया में, अगर होती होगी मुझे नहीं पता। तो एजुकेशन में क्या है कि आपको एक्सपोजर मिल जाएगी, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलेंगे, हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। जब आप इतने लोगों से मिलेंगे कि 10 कंट्री से आए हैं या 20 कंट्री से आए हैं, हर एक का एक नजरिया जो अलग अलग होता है, उससे आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। आप जब ग्रुप में काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत कोर्सेज के टाइम जब पढ़ाई करते हैं, तो उससे आपको एक देखने का नजरिया और काम करने का तरीका, ये सारा चीज एक मतलब हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो उससे आप देखने के बाद एक जो आ जाता है ना एक अंदर से, उसको मतलब बताने में बहुत मुश्किल है बताना वो चीज, बट वो आपके अंदर के मतलब पर्सनालिटी वाइज, एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फ्यूचर लीडर, बहुत ही आपको मतलब प्रेरणा देती है, और आपकी अंदर की एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी अभी तक मेरा हिंदी भी कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं उड़ीसा से हूँ ओरिजिनली, तो माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कर दिया। तो आपको अंत में एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब सारे चीज को जोड़ते हुए, कि जो 8वां पॉइंट है कि आप फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड इज हाई, टॉप हाई, हाई नॉच, बहुत ही अच्छा है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, बट बहुत कम होते हैं स्कॉलरशिप्स, तो उसीलिए ये नहीं होते हैं, मतलब लोगों को मिल नहीं पाते हैं। बट स्कॉलरशिप अगर भी नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिला था, तो कंपेयर टू यूएस, यूरोप में कहीं भी आते हैं, जर्मनी हुआ, जैसे आप जर्मनी अगर जाएंगे, जर्मनी के मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, एक प्लेलिस्ट है जर्मनी का, तो उसको जाके आप देखिए, अगर आपको जर्मनी में पढ़ना है, मुझे नहीं पता आपको पढ़ना है कि नहीं, वहां पे एक इश्यू आपको होगी कि लैंग्वेज, वो मैं बोल सकता हूँ जर्मनी में लैंग्वेज इश्यू है, बट एडवांटेज है कि वहां पे ट्यूशन फ्री माफ की जाती है, ट्यूशन फ्री ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज में फ्री होती है, तो उसपे हमने बहुत वीडियोस बनाए, स्टडिंग मास्टर्स इन जर्मनी, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें 10 वीडियोस है, इसको जाके देखिए। तो मेरे चैनल्स के सारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपको बहुत ही डिटेल्स में सारी चीजें पता चल जाएगी। और मास्टर्स इन जर्मनी मैंने ये बताया था कि ऑलमोस्ट फ्री होती है, तो उस कंपैरिजन नेदरलैंड से खर्चे कम होंगे, और लिविंग कॉस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जर्मनी में कभी कभी सस्ते हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा है। बट स्कॉलरशिप नहीं मिलने से भी यहाँ पे एडवांटेज है कि आपको लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपका, आप जो बोल रहे हैं अगर कोई समझ नहीं रहा है, और आप भी नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, जो कि जर्मनी में जनरली होता है, तो वो चीज आपको नेदरलैंड्स में नहीं फील होगी, भले ही आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं, बट उसके बाद उसका प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको, जो मैंने बताया कि 2,500 यूरो के करीब मिलेंगे, तो आपके उस टाइम अकेले अगर रहेंगे तो 1 लाख के करीब सेविंग्स हो जाएगी इंडियन करेंसी में, तो पर मंथ अगर 1 लाख करेंगे, अगर छोटा सा स्टूडेंट लोन भी हो गया तो उसको आप आराम से चुका पाएंगे, 2-3 साल लगेंगे मानता हूँ, और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप यहाँ पढ़े हैं और यहाँ जॉब करते हैं नेदरलैंड्स में, तो आपको टैक्स अलाउंस मिलेंगे, जो मैं पहले बता रहा था बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस में, वो मैंने कवर किया है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, बट सारे चीजें जो मैं टच करना चाहता था टच कर रहा हूँ, बाकी माफ करना अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो,
और कुछ कुछ तो जानकारी मिली होगी कि आप अपने पापा मम्मी को बता पाए या दिखा पाए ये वीडियो। और ये पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं आपके, और एक इंडस्ट्रियल थीसिस होता है, वो मैंने दो तीन वीडियोस में बताए हैं, कोई प्लेलिस्ट में था शायद, स्टडिंग मास्टर्स इन नेदरलैंड या स्टडिंग बैचलर्स इन नेदरलैंड, जाके देखिए, मुझे याद नहीं है। तो उसमें मैंने बताया था, जब आप मास्टर्स कर रहे हैं, सपोज आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिस पे आपके लिविंग कॉस्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जर्मनी के कंपैरिजन में कॉस्ट ज्यादा है, बट रहने का एक एनवायरमेंट जो लैंग्वेज की वजह से पैदा होता है वो नेदरलैंड्स में बेटर है। और ऐसे एजुकेशन वाइज देखेंगे इतना तो मुझे डिफरेंस नहीं पता, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वही है, मतलब कहीं कहीं पे पढ़ाई भी आधा जर्मन आधा इंग्लिश, फुल इंग्लिश मिक्स रहता है। यहाँ पे सारा ऑलमोस्ट मास्टर्स तो सारा इंग्लिश ही है, बैचलर्स पहले शायद डच थोड़ा होता था, बट अभी बैचलर्स मुझे इतना पता लास्ट 2 साल में इन्होंने इंग्लिश में स्विच कर रहे हैं ताकि ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए। और हर नेदरलैंड के यूनिवर्सिटी में एक स्टैटिस्टिक्स था कि तकरीबन 20% स्टूडेंट्स बैचलर्स हो या मास्टर्स हो इंटरनेशनल होते हैं। तो आप शॉक हो जाएंगे कि 20 मतलब 1/5, तो अच्छा है, मतलब 20% अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी मैंने क्या चीज कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, सारा कवर किया। तो उस हिसाब से आप अगर एक बार, मतलब हर चीज का वही होता है, आप अगर कुछ चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो या फिर एक कोई अच्छा सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप अगर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे और होप करेंगे कि अरे मुझे कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाए और कुछ अचानक से फायदा हो जाए या लॉटरी लग जाए, तो वैसे 99% केसेस में तो नहीं होता है, वैसे मतलब 99% ऑफ द केसेस में नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, मतलब इट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड या फ्यूचर ऑफ मी, फ्यूचर ऑफ योर ग्रोथ। तो आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको रिटर्न मिलेगा, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो जॉब मिलता है कि नहीं उसका कहीं स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मैं जब आया था तब शायद 7% था, अभी शायद 5% या ऐसे कुछ हो गया। तो अनएम्प्लॉयड कोई रहता नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल किसी किसी को तुरंत जॉब मिलती है या फिर किसी किसी को जो मैंने बताया था स्टे बैक पीरियड, उसके बाद उसी टाइम में जॉब मिलती है, मतलब पढ़ाई के 2 महीने बाद 3 महीने बाद। बट मेरे बैच में मैं जानता हूँ और उसके बाद वाले बैच में भी जितने लोग थे सबको जॉब मिल गया, किसी को हो सकता है पढ़ाई से खत्म होने से 1 महीने पहले मिल गया, जैसे हमारे वहाँ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, या किसी को पढ़ाई के बाद मिले। तो इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो थोड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में, ये कोई हाई फैक्टर रिस्क नहीं है कि स्टॉक मार्केट में डाल दिया हर दिन मॉनिटर करते रहे, ऐसा चीज नहीं है। तो रिस्क लेंगे, थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए जो मैंने, जो आपको समझ में नहीं आया या आप ज्यादा जानना चाहते हैं जिस चीजों के बारे में और जो चीज मैंने मिस किया। और प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए क्या, तो फिर मैं प्लान करूंगा दिसंबर जनवरी या फिर अगले साल कुछ एक लाइव स्ट्रीम करेंगे हिंदी में, मेनली आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ना चाहते हैं या यूरोप आना चाहते हैं या फिर नेदरलैंड्स आना चाहते हैं, या कुछ भी क्वेश्चंस हो सारे चीज हम सॉल्व करेंगे, 1-2 घंटे की अच्छी सी लाइव स्ट्रीम करेंगे अगर आपकी रिस्पॉन्स आई या आपकी इंटरेस्ट आई तो। टिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते, नमस्कार, और मिलते हैं बाद में, बाय।